हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, क्लास सेकंड। स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। लास्ट क्लास में पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रीडिंग की थी पुअर गंगू। जो पुअर गंगू है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा। पेज नंबर 7 ओपन करेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 7 पे बुक वर्क है टिक द करेक्ट। आज की डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे बच्चों, 1 May 2021। हु इज गंगू? गंगू कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, ए बॉय, ए टीचर, पंडित। लड़का, अध्यापक या पंडित। गंगू एक पंडित था, तो पंडित पे हम टिक कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास, गंगूज क्लोथ गेट स्पॉइल्ड विद। गंगू के कपड़े कैसे खराब हुए? ऑप्शन है डर्टी वाटर, वाटर डस्ट। डर्टी वाटर गंदा पानी, वाटर सादा पानी, डस्ट धूल। जो गंगू के कपड़े खराब हुए वो गंदे पानी की वजह से हुए, तो डर्टी वाटर पे हम टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, गंगूज धोती इज टोर्न बाय। जो गंगू की धोती थी वो कैसे फटी या किसने फाड़ी? ऑप्शन है ए बॉय लड़के ने, ए डॉग कुत्ते ने, ए वुल्फ लोमड़ी ने। जैसे कि हम स्टोरी में जानते हैं, डॉग कुत्ते ने गंगू की धोती को फाड़ दिया था। फोर्थ ऑप्शन है, गंगूज धोती इज पेंटेड। जो गंगू की धोती थी वो किस रंग से पेंट हो गई थी? रेड, वाइट या ग्रीन। लाल, सफेद, हरा। हरे कलर से पेंट हो गई थी, तो हम हरे कलर पे टिक करेंगे। गंगू फेल्स टू गो। गंगू कहाँ पे जा रहा था और वहां पे वो फिर जा नहीं पाया? टू द टेम्पल, होम, टू द सिटी। मंदिर जा रहा था या वो घर जा रहा था या वो शहर जा रहा था? वो जा रहा था टेम्पल, मंदिर, तो मंदिर ए ऑप्शन के सामने हम टिक करेंगे। ओके बच्चों, अब हम ट्रू फॉल्स करते हैं अपने। राइट यस और नो। जो कथन सही है उसको यस लिखेंगे और जो कथन जो यानी कि जो सेंटेंस रॉन्ग है उसको नो लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। स्प्लैश इज ए साउंड वर्ड, ट्रू, ये बात सही है। द बॉय स्टॉप्स एंड से सॉरी, फॉल्स। बच्चा रुकता नहीं है, वो भाग जाता है, तो उसने सॉरी नहीं कहा, तो ये कथन गलत है। गंगू लेट्स द डॉग गो अवे विद हिज धोती। गंगू ने कुत्ते को भगा दिया था धोती के साथ? नहीं, कुत्ते ने उसकी धोती को फाड़ दी थी और वो चला गया था, तो ये भी फॉल्स है। फोर्थ, गंगू फील्स टायर्ड नियर ए पार्क। गंगू थका हुआ महसूस कर रहा था पार्क के नज़दीक। बिल्कुल सही, ये बात सही है, तो ये ऑप्शन हो गया ट्रू, ये वाला सेंटेंस। फिफ्थ, गंगू सिट्स ऑन ए न्यू पॉलिश्ड बेंच। जो गंगू है वो बैठ गया था नई, जिस पे अभी पॉलिश मतलब पेंट किया गया था बेंच पे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, तो यहाँ पे ट्रू है। गंगू एट लास्ट गोज टू द टेम्पल। क्या गंगू आखिरी में मंदिर में जा पाता है? नहीं, वो नहीं जा पाता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है गंगू एट लास्ट गोज टू द टेम्पल, तो ये बात गलत है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने टिक द करेक्ट किए और ट्रू फॉल्स किए। क्वेश्चन हम आंसर हम लेटर ऑन करेंगे, पहले हम बुक वर्क कर लेते हैं। और हमारा बुक वर्क है मैम, हाउ विल, जो डी और ई क्वेश्चन है, ये हम जब आपकी क्लासेस स्कूल में रन होंगी ये हम तब डिस्कस करेंगे पूरी क्लास के साथ। एफ क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब दीज थिंग। नीचे कुछ चीजें दी हुई हैं, थिंग्स दी हुई हैं, इनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? स्काई, स्काई कैसे, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्काई, स्काई का रंग ब्लू होता है, नीले रंग का होता है, यहाँ पे ब्लू लिख दिया। रोज,
रोज किस तरह के होते हैं? जनरली रेड कलर के होते हैं, तो यहां पे हमने रेड लिखा है। डॉग ब्लैक एंड व्हाइट, बॉल येलो एंड रेड, क्लाउड ब्लू एंड व्हाइट, बर्ड कलरफुल। जो बर्ड्स हैं वो हमारी कलरफुल होती हैं। यहाँ पे बच्चों जो रोज़ है वो उसको दूसरे कलर में भी लिख सकते हैं, बट जनरली जो हम जानते हैं वो रेड कलर का ही होता है और जो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द पिक्चर्स विद देयर वर्ड्स। कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उनके वर्ड्स दिए गए हैं। करेक्ट पिक्चर को करेक्ट वर्ड से मैच करना है। ये पिक्चर है, जैसे एक एग्जाम्पल किया हुआ है ऑलरेडी, आई, ये आई है तो आई से मैच किया। सेकंड है पिक्चर है हमारी सीजर, कैंची की है तो हमने सीजर पे मैच किया। ये थर्ड है ककंबर, तो हमने ककंबर को खीरा है ये। फोर्थ ऑरेंज, संतरा, संतरे को हम ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज से मैच किया। फोर लास्ट है केला, बनाना, इसको हमने बनाना से मैच किया। तो ठीक है बच्चों, ये वाले भी हमारी बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सर्किल नाउन्स इन द सेंटेंसेस, जो नाउन है उनको सर्किल करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मम्मी कुक्स फूड, मम्मी सर्कल करेंगे, फूड सर्कल करेंगे, ये नाउन है। फादर वर्क्स ऑन हिज कंप्यूटर, फादर को सर्कल करेंगे एंड कंप्यूटर, यहाँ पे नाउन ये है। अमित इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे अमित और फ्रेंड नाउन है। माई कैप इज ऑन द टेबल, कैप और टेबल नाउन है। ए कैट इज रनिंग आफ्टर रैट, कैट और रैट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, कैन यू सजेस्ट द नेम्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनके नाम सजेस्ट करने हैं। आई फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से क्या बहती है जैसे गंगा। आई एम द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा की क्या कैपिटल है? चंडीगढ़, यहाँ पे चंडीगढ़ लिखेंगे। आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। आई एम द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तिरंगा। आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद। आई एम द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का सबसे पहला महीना, जनवरी। आई एम सेलिब्रेटेड विद फायर वर्क्स, पटाखे छुटते हैं, वो कौन सा त्यौहार होता है? दिवाली। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स।